ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे थे हम लोग, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में राइज ऑफ मगध के बारे में देखा था, महाजनपद के बारे में देखा था, और उससे पहले हम लोगों ने वैदिक सिस्टम एंड ऑल दैट चीजों के बारे में बात किया था। जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस समय महाजनपद इंडिया में डेवलप हो रहे थे उस समय आखिर में बाकी के वर्ल्ड में क्या हो रहा था। हालांकि हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा मोड़ा हमें आसपास के नेबरिंग एलिमेंट्स को देखना है क्या कुछ यहां पर हो रहा था, बिकॉज आगे जाकर के इन्हीं लोगों का अटैक होगा इंडिया पे, तो इस वजह से हमें यहाँ की जो डेवलपमेंट्स है उसको देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज हमें यहां पर यह देखने को मिलेगा कि इंडिया जो कि एक सुपर पावर के तरीके से था, लेकिन कुछ ना कुछ यहां पर एक कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे जो मिसिंग थे, जिसके कारण से इंडिया एक यूनाइटेड इंडिया बनकर के नहीं निकल के आ पा रहा था। हालांकि फिर भी काफी ज्यादा प्रॉस्परस और काफी ज्यादा पावरफुल था। चले फिर फटाफट देखते हैं, काफी कुछ हम लोग देखेंगे, पर्शिया के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे मैसेडोनिया के बारे में और अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर के बारे में भी हम लोग देखेंगे इस सेशन में कि क्या कुछ हुआ और आगे क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, फटाफट शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्लिम्स स्पेशल, मेन्स स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईरानियन और मैसेडोनियन इन्वेजन से पहले हमें ये जानकारी रखना चाहिए कि आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से ये लोग इंडिया पे अटैक किए, और इनफैक्ट अगर अटैक करने भी वाले हैं तो व्हाट लेड टू द अटैक, आखिर में वो कंडीशंस क्यों बनी। उस कंडीशन से पहले हमें इन दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशन समझने की जरूरत है कि आखिर में इंडिया और ईरान के बीच में क्या रिलेशन चल रहा था। चलते हैं जरा अर्लियर टाइम से चलते हैं। तो हुआ क्या कि ऋग्वेदिक टाइम पे, जब ऋग्वेदिक टाइम्स था उस समय हमारे पास जब ऋग्वेदा लिखी जा रही थी, तो उस समय हमें एक नियर अबाउट 1400 बीसी के दौरान में, और वैदिक पीरियड का क्या एज है 1500 बीसी टू क्या 600 बीसी, इसके बाद से जो है मगध एंड ऑल दैट ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी। 1400 बीसी के दौरान में हमें एक रॉक एडिक्ट मिलती है, रॉक एडिक्ट मिलती है जिसका नाम है बोकज कोई, बोकज कोई। और ये जो बोकज कोई है बेसिकली वो इंडिया में नहीं है, ऑब्वियसली ये ईरानियन साइड में ही है। यहां से हमें पता चलता है कि ईरान, और ईरान का मतलब उस समय ईरान को पर्शिया बोला जाता था। इनफैक्ट हम लोग नाम भी देखेंगे कि अर्लियर टाइम में क्या वर्ल्ड का ऑर्डर कैसा था, कौन सी कंट्री किस तरह से थी, तो पर्शिया बोली जाती थी पर्शिया। और उस समय इंडिया मतलब कि इंडिया नहीं, उस समय तो खैर हिंदुस्तान बोला जाता था एक तरीके से कह सकते हैं, तो भारत थी बेसिकली। तो इन दोनों के बीच में काफी गहरा रिलेशन था। इनफैक्ट इनके रिलेशन के बारे में बताया गया इस बोकज कोई लेख में, इस बोकज कोई रॉक एडिक्ट में, कि यहां पर हमें दो नाम मिलते हैं, वन इज द सिंधु, और सिंधु की जगह पर यहां पर नाम लिखा हुआ है हिंदू। दैट मीन्स ये लोग स नहीं बोल पाते थे, ये लोग स की जगह पर ह यूज करते थे, इस वजह से सिंधु की जगह पर हिंदू पाया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, तो हमारे पास सोम डाइटी थे, जो देवता थे सोम, उनका नाम यहां पर होम पाया गया है, होम डाइटी। तो इस वजह से अगेन यहां पर हम एक आइडिया ले लेते हैं कि ये लोग एस की जगह पर एच यूज करते थे। ये तो हुआ पहला प्रूफ। सेकेंड प्रूफ यहां पर है जिंद अवेस्ता। ये जो जिंद अवेस्ता है और जो ऋग्वेद है, इसके बारे में हालांकि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता है, इसमें इसकी जो फिलॉसफी बिहाइंड दिस है वो एकदम सेम है, फिलॉसफी सेम है। इनफैक्ट जो भी डाइटीज का यहां पर वर्णन किया गया है, जो भी डाइटीज के बारे में बताया गया है, जो भी देवताओं के बारे में बताया गया है, वो सेम से है। मतलब इंद्र के बारे में अगर मान लीजिए कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है तो जिंद अवेस्ता में भी लिखा हुआ है, वायु के बारे में लिखा गया है तो यहां पर भी वायु के बारे में लिखा गया है, यम के बारे में लिखा गया है तो इधर भी यम के बारे में लिखा गया है। तो एक तरीके से डायटीज आर द सेम, एंड दैट इज वाई वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि इधर ऋग्वेदा और इधर जिंद अवेस्ता हैव टेकन रेफरेंस ऑफ इधर ऑफ देम, एक दूसरे का हेल्प लेकर के ही बेसिकली ये बनाए हुए हैं, एक दूसरे को लिखे हुए हैं। बिकॉज यहां पर कई सारे ऐसे वर्सेस भी है, कई सारे ऐसे कह लीजिए कि दोहे या जो भी छंद होती है, वो सब भी सेम सेम से निकल गए हैं, बहुत सारे वर्सेस यहाँ पर सेम से निकले गए। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये एक साथ ही डेवलप हुए होंगे। लेकिन यहां से खैर हम लोग ये रिलेशन बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में काफी क्लोज्ड रिलेशन है, ये एक बात यहां से क्लियर हो गई है कि ये काफी
क्लोज रिलेशन यहां पर देखने को मिल जाती है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में इन लोगों का इन्वेजन हुआ क्यों। देखिए इंडिया क्या था कि बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था, इनफैक्ट इसकी प्रॉस्पेरिटी का केस ये था कि यहां पर गोल्ड काफी ज्यादा था, गोल्ड के कारण से और साथ ही साथ में सिल्वर के कारण से ये लोग अट्रैक्ट हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर मगध के बारे में काफी ज्यादा लोग सुन रखे थे कि यार मगध जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इनफैक्ट मगध के पास काफी ज्यादा इकोनॉमिक वेल्थ भी है और साथ ही साथ इनके पास आयरन बहुत ज्यादा है, तो अगेन इसको भी लूटने के लिए और इस पर अटैक करने के लिए लोग अटैक किए थे। तीसरी चीज, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से मगध के लोग, मतलब मगध का जो रूलर था, चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे अजात शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने जिस तरीके से मैरिज मैरिटल रिलेशन के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से वॉर के थ्रू ये पूरे इंडिया पर जिस तरीके से कब्जा करना चाहते थे, वैसे ही बाहर के लोग पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहते थे। इनफैक्ट यहां पर कुछ ऐसे भी कह लीजिए कि एम्परर्स हुए हैं, कुछ ऐसे भी योद्धा हुए हैं जो लोग पूरे वर्ल्ड पे मतलब कह लीजिए शासन करना चाहते थे। जैसे एक तो हो गए आपके सिकंदर ही हो गया, अलेक्जेंडर ही हो गया, या फिर जो होता है इसी तरीके से एक साइरस था, उसने भी यही काम किया था, और साथ ही साथ हरक्यूलिस तो है ही। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इंडिया एक अट्रैक्टिव पॉइंट बना हुआ था हर एक किंगडम के लिए, जो भी आसपास के जो भी एम्पायर है उनके लिए एक कह लीजिए कि जो होता है एक अट्रैक्टिव पॉइंट बना हुआ था। एक आइडिया लग गया बेसिकली कि क्या चीज है यहाँ पर। ओके, अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बेसिक रिलेशंस के बारे में हम लोग समझ गए हैं तो अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में किस तरीके से इन्वेजन हुए हैं और आखिर में कौन कौन से पहले चीजें हुई, और इन सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर में वर्ल्ड ऑर्डर कैसा था। तो पर्शियन इन्वेजन इज ट्रैक्ड बैक टू 500 BC। 500 BC यानी कि इस समय क्या हो रहा होगा, इस समय महाजनपद टाइम चल रहा है हमारे इंडिया में। तो महाजनपद के दौरान में 16 महाजनपदाज वर देयर। इनफैक्ट 500 बीसी के दौरान में आप बोल सकते हैं कि इंडिया में हर्यक डायनेस्टी चल रही थी और यह हर्यक डायनेस्टी अपने पीक पे थी, और इस हर्यक डायनेस्टी में आपको पता ही है कि जितने भी महाजनपद थे विद इन नदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया के दौरान में, नदर्न इंडिया का मतलब क्या हो गया कि मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, अंग हो गया, वज्जी हो गया, वत्स हो गया, मल्ल हो गया, इसके अलावा सूरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, अवंती हो गई और अश्मक हो गई। इस पूरे इलाके पे तो कंट्रोल करके रखा गया था, बट दो इलाके ऐसे थे जहां पर मगध का कंट्रोल नहीं था, और वो थी गांधार, दिस वॉज द गांधार, एंड यहां पर एक और टेरिटरी थी जिसको कि ये कंट्रोल नहीं था। तो इस वजह से ये जो दो इलाके थे ये कंटिन्यूअसली ये चाहते थे, भाई सीधी सी बात है एक बंदा पूरे के पूरे साम्राज्य पे, पूरे के पूरे एम्पायर पे कब्जा किया जा रहा है तो इन लोगों को अच्छा लगेगा क्या। तो इन लोगों ने क्या किया कि यार नहीं, हमें भी अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करनी है, और एक्सपैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी बाहर के आदमी को बुलाना पड़ेगा। तो यहां पर गांधार मतलब कि तक्षशिला के जो लोग थे बेसिकली वो एक इन्विटेशन दिए जो भी बाहर के लोग थे, बाहर का मतलब जो भी पर्शिया के लोग थे, उनको इन्होंने इन्विटेशन दिया कि आओ हमारे इंडिया में, एंड देयर इज सो मच ऑफ वेल्थ एंड सो मच ऑफ पावर इज देयर इन इंडिया एंड यू कैन एंजॉय द पावर एंड टेक द इकोनॉमिक वेल्थ। तो इस तरीके से यहां पर बेसिकली ये इन्विटेशन दिया गया, मतलब हमारे देश में ही कुछ गद्दार लोग हमेशा रहे हैं जो इंडिया पे अटैक करवाए हैं। अभी जैसे हमें यहां पर ईरानियन इन्वेजन के रूप में देखने को मिलेगा, इनफैक्ट बाद में जब सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सातवाहन डायनेस्टी में भी शकाज आए हुए थे, और ये शकाज ने अल्टीमेटली जो यहां पर ग्रीक्स थे उनको इन्विटेशन दिया था कि कम एंड अटैक हियर। सिमिलरली मुगल्स के भी टाइम में यहां पर भी इन्विटेशन दिया गया था बाबर को, उसने भी आया था और अटैक किया था। इस तरीके से हम लोग हिस्ट्री में हमेशा ये इनविटेशन और बाहरी मतलब कि जो एक्सटर्नल अटैक है वो लगातार देखते रहेंगे। तो हम लोग आगे बात करेंगे जब भी इन लोगों के बारे में आएगा बात, तो हम लोग यहां पर देखते रहेंगे। फिलहाल अभी ईरानियन इन्वेजन या मैसेडोनियन इन्वेजन के बारे में हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि 500 बीसी में साइरस इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया एंड ग्रीक इन्वेजन इज ट्रैक्ड बैक टू 327 BC व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और इस समय नंद डायनेस्टी चल रही है। ठीक है, तो अब हम लोग जरा देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है और उसके बाद से हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। तो देखिए आज की डेट में ये वर्ल्ड है,
और आज की डेट में क्या इनफैक्ट उस समय भी वर्ल्ड ऐसा ही था, इससे पहले जो था वो पैंगिया वगैरह वो सब बहुत पुरानी बात है, उस समय सिविलाइजेशन नहीं हुआ करती थी, उस समय जो होता है ह्यूमन खुद इवॉल्व कर रहा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामापिथेकस एंड ऑल दैट वो सब चीजें चल रही थी, तो ये सब चीजें जो होती हैं उस समय की भी थी। बट इंडिया मतलब इंडिया इन द सेंस कि जब वर्ल्ड एक इस ऑर्डर में आ गया तो उस समय कंडीशंस कुछ अलग अलग तरीके की थी। जैसे ये इलाका तो खोजा ही नहीं गया था, नॉर्थ अमेरिका ये तो खोजा ही नहीं गया था, इनफैक्ट कोलंबस ने बहुत लेट में जाकर के इसको खोजा है, इनफैक्ट 1500 1600 के दौरान में खोजा है जाकर के, ऑल्दो यहां पर पहले से कुछ लोग रह रहे थे। तो हमारे पास जो वर्ल्ड थी बेसिकली वो केवल और केवल ये यूरोप, इस यूरोप के अलावा यहां पर एशिया, इसके अलावा अफ्रीका, हमारे पास केवल और केवल यही तीन टेरिटरी जानकारी में थी। और इनफैक्ट जब डार्क एज चल रहा था, इसके बारे में आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इस डार्क एज के दौरान में जब यूरोप में जितने भी चर्चेज हैं वो चर्च काफी ज्यादा जब डोमिनेट कर ले गए थे, तो उस समय ये मैप जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट थे उसको फाड़ के फेंक दिया गया था और अल्टीमेटली एक मैप रिलीज किया गया था चर्च के द्वारा जिसको बोला था टीओ मैप। टीओ मैप का मतलब कुछ इस तरीके से था, दिस इज द टी एंड दिस इज ओ। इस टीओ मैप का मतलब ये था कि यहां पर ये जो अर्थ है वो एक्चुअली गोल है, सबसे टॉप पे जेरूसलम है, दैट मींस कि यहां पर एशिया है, तो ये जो है जेरूसलम बिकॉज दिस इज द सेक्रेट प्लेस, तो ये जेरूसलम हो जाएगा और ये बेसिकली हेवन बोला जाता था, जन्नत। और यहां पर एक साइड में यूरोप थी, दूसरी साइड में अफ्रीका थी। अफ्रीका और यूरोप को डिवाइड करने वाली जो लाइन थी उसका नाम था मेडिटेरेनियन सी, और यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाला जो था वो था ब्लैक सी, और लास्टली अफ्रीका और एशिया को डिवाइड करने वाला जो था वो था रेड सी। तो इस तरीके से इन्होंने मैप जो बनाया था बेसिकली ये है यहां पर आपका रेड सी, दिस इज योर रेड सी, यहां पर ये मेडिटेरेनियन सी है और लास्टली यहां पर है ब्लैक सी। तो इस पूरे इलाके को इन्होंने डिस्टॉर्ट किया था मैप में और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, ऑल दो बाद में रेनासा पीरियड आता है और काफी कुछ डेवलपमेंट्स हो जाती है, उसके बारे में हम लोग नहीं आएंगे। ये केवल और केवल मैंने आप लोगों को आइडियाज लिए दिया ताकि आपको एक केवल और केवल इस एरिया में आप अपना कंसंट्रेशन रखिए फिलहाल के लिए, क्योंकि बाकी की दुनिया अभी हम लोग जानकारी में नहीं है, हम लोग इसी दुनिया में केवल और केवल जी रहे हैं अभी फिलहाल। समझ में आ गया? हिस्ट्री को देखिए, पढ़ने से ज्यादा अच्छा है हिस्ट्री को फील करना, एंड दैट इज वाई यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली इन दीज एरियाज। चलिए फिर अब इस एरिया में कंसंट्रेट कर लिए हैं, अब जरा हम लोग केवल और केवल इतने एरिया में कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि यही वो एरिया है जहां पर हमें देखना है चीजों के बारे में। तो देखिए ये वो बेसिकली एरिया है, इसको मैंने नेमिंग कर रखा है पहले से ही, तो ये देखिए यहां पर मैं नेमिंग फटाफट आप लोगों को बता देता हूं, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, यहां पर ये अफ्रीका का रीजन आ गया है जिसमें ये इजिप्ट का इलाका है। सिमिलरली ये ऊपर में देखेंगे तो आज की डेट में ये अल्बेनिया हजेवानिया मतलब यूगोस्लाविया वाला रीजन है, तो यहां पर ये मैसेडोनिया था, इस मैसेडोनिया में ही बेसिकली सिकंदर था, इनफैक्ट सिकंदर के पिताजी का नाम था फिलिप, फिलिप नाम था इनका, और फिलिप के बाद अल्टीमेटली फिर अलेक्जेंडर जिसको कि सिकंदर बोलते हैं, अलेक्जेंडर अल्टीमेटली राजा बनता है 20 ईयर की एज में, मतलब 20 साल की उम्र में ही राजा बना दिया गया था। और आप लोग अभी यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं बताइए, चलिए खैर। तो यहां पर जो होता है फिर ब्लैक सी आ जाती है, ब्लैक सी के जस्ट नीचे आज की डेट में जो टर्की है उसका नाम होता है एशिया माइनर, एशिया माइनर के बगल में जो कह लीजिए इराक है, इराक का नाम आर्मीनिया था, आर्मीनिया एक्चुअली में आज भी है बट उस समय जो है एक्सटेंडेड पोर्शन में था, आर्मीनिया के बगल में आप देखेंगे कैस्पियन सी है, इनफैक्ट आर्मीनिया जॉर्जिया ये सब यहाँ पर कंट्रीज हैं, बट आज की डेट में वो मतलब उस समय जो होता है पूरा आर्मीनिया ही था और ये कैस्पियन सी थी बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरल सी है, ठीक है, इस नीचे इसके मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया का मतलब उस समय का बगदाद का इलाका, तो बगदाद यहां पर एरिया था, अच्छा सॉरी मेसोपोटामिया जो होती है उस समय सिविलाइजेशन थी, यहां पर जो कह लीजिए कि सीरिया के जस्ट नीचे वाला इलाका है, यहां पर बेबीलोनिया थी, बेबीलोनिया वॉज बगदाद यहां पर थी, इसके साथ ही साथ यहां पर असीरिया जो आज की डेट में सीरिया और बाकी के जेरूसलम सॉरी जॉर्डन वगैरह का जो इलाका है वो असीरिया हुआ करता था। सिमिलरली यहां पर जब सेंट्रल एशिया में आएंगे तो पार्थियंस बोला जाता था, यहां से भी अटैक आएगा पार्थियंस का, बात करेंगे हम लोग जब आगे, तो पार्थियंस में हम लोग कनिष्क एंड ऑल दैट के बारे में बात करेंगे। इसके बगल में मीडिया था, मीडिया एक छोटा सा इलाका था, इसके अलावा बैक्ट्रिया था, बैक्ट्रिया में शक थे और शकस का भी अटैक आएगा बाद में। अगेन यहां पर देखिए सोडिग्ना था और उसके बाद से यहां पर गांधार, गांधार वॉज आवर टेरिटरी, मतलब कि हमारे महाजनपद में से एक महाजनपद गांधार भी था जिसकी राजधानी कैपिटल तक्षशिला थी।
सिमिलरली यहां पर देखेंगे तो अफगानिस्तान के पास में अरियाना रीजन था और ईरान के पास में जो ईरान है वो बेसिकली पर्शिया का रीजन था। पर्शिया से इंडिया को कनेक्ट करने के लिए छोटी सी टेरिटरी थी जिसका नाम था गेडोशिया, और गेडोशिया के साथ में यहां पर था आपका हाइडस्पीज। हाइडस्पीज बेसिकली वो एरिया था जहां पर झेलम नदी आज की डेट में बह रही है। तो बेसिकली ये झेलम नदी के पास में हाइडस्पीज थी। इनफैक्ट हाइडस्पीज का वॉर भी होगा जो पोरस के साथ में लड़ा जाएगा, देखेंगे हम लोग क्या चीज है। फिलहाल ये सारी टेरिटरी और ये मैप है, तो आपका आइडिया लग गया होगा बेसिकली मैप में क्या है। यहां पर अगर इंडिया में देखेंगे तो दिस वॉज द मत्स्य, यहां पर अवंती एंड ऑल दैट, बाकी के इंडिया की टेरिटरी हो गई थी। क्लियर हो गया क्या चीज है, कहां पर क्या चीज है। ओके, यहां पर एक अरेबिया भी है, अरेबिया के साथ में मतलब यहां पर ट्रेड हो रहा होता था। एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का ट्रेड ऐसा नहीं है कि मतलब अभी होना शुरू हुआ, इंडिया का ट्रेड बहुत पहले से होता था। इनफैक्ट इंडिया इस पर्शियन गल्फ के रास्ते बेबीलोनिया के साथ में इसका ट्रेड होता था सिंस इंडस वैली टाइम, इंडस के टाइम से। इनफैक्ट इंडस के टाइम पे हम लोगों ने बात किया था ना कि यहां पर सिलेंड्रिकल सील्स मिलती हैं और जबकि इंडिया में रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर टाइप की सील मिलती है, तो इस वजह से यहां पर जो होता है। और ये इलाका कौन सा है, ये इलाका आपका लोथल था ना, लोथल, यहां से पूरा का पूरा ट्रेड होता था। तो बेबीलोनिया के साथ में कंटिन्यूअसली हमारा ट्रेड रहा है। आइडिया लग गया क्या चीज है। हमें इस पूरे इलाके में दो किंगडम के बारे में बात करना है, वन इज द मैसेडोनिया जहां पर फिलिप के बारे में हम लोग बात करेंगे, दूसरा हम लोग बात करेंगे पर्शिया। इस पर्शिया में बेसिकली हखमनी डायनेस्टी थी, ठीक है, तो एखमनी डायनेस्टी थी बेसिकली, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या चीज है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके आगे, मैप आप लोग समझ गए हैं, उस समय की पूरी कंडीशन भी समझ गए। नाउ कमिंग टू द टाइम, अब आ जाते हैं हम लोग अखमनी डायनेस्टी पे। तो दिस इज द अखमनी डायनेस्टी, ठीक है, हिंदी में इसको हखमनी भी बोलते हैं, दिस इज हखमनी, ठीक है, ऑल्दो यहां पर एखमनी इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे। अब यहां पर देखिए जो राजा होता है सबसे पहला वो रहता है साइरस, एक्चुअली साइरस के पिताजी भी रहते हैं क्योंकि साइरस वॉज नॉट द एस्टैब्लिशर ऑफ द हखमनी डायनेस्टी, साइरस से पहले इनके पिताजी रहते हैं, बट एज सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम इसको ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। साइरस को हम लोग कंसंट्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली अपने एम्पायर को इसने एक्सपेंड किया था, आसपास में इसने लड़ाइयां लड़ी थी, इस वजह से हम लोग इसको कंसंट्रेट कर रहे हैं। साइरस के बारे में अगर बात करें, ही वाज द फाउंडर, ऑल्दो फाउंडर लिखा हुआ है बट इट इज नॉट अगेन क्लियर नहीं है ये कि हखमनी डायनेस्टी का ये फाउंडर था या नहीं। इन द एंशिएंट ईरान इन्वेडेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया इन 550 BC। At that time, there were small provinces like Gandhar. India में बात करें तो गांधार हो गया, खम्बोज हो गया, then और भी बहुत सारे, और मत्स्य हो गया। There were fighting between each other. In fact, यहाँ पर जो है सबसे जो important थी वो थी मगध। मगध ने जो होता है वो हर एक इलाके में अपना साम्राज्य, मतलब कह लीजिए अपना अलायंस बना करके रखा होता है। एट दैट टाइम बिंबिसार ऑफ हर्यक डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर मगध, और उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी हर एक इलाके में। और इसी देखिए, दो जब कोई स्ट्रांग रूलर होंगे तो वो एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर बिंबिसार भाई साहब के बारे में तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो बेसिकली इंडिया कॉन्कर करने पे लगे हुए हैं, लेकिन ये जो था वो अब उस इलाके में कॉन्कर करने को कुछ बचा है नहीं, तो इंडिया में आ रहे थे क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा वेल्थ है और उस वेल्थ को लूटने के लिए ही बेसिकली ये आया था। साइरस सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग अंडर पर्शिया कंट्रोल ऑल द इंडियन ट्राइब्स वेस्ट ऑफ इंडस लाइक गंधारा। अब यहाँ पर सीन क्या हुआ इसके बारे में जरा फटाफट देखते हैं, सबसे पहले मैप देख लेते हैं। तो इस मैप के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है, इनफैक्ट इस समय भी काफी डेवलपमेंट हुई थी, जैसे न्यू बेबीलोनियन आप देख सकते हैं जहां पर बेबीलोनिया, दिस वॉज द बेबीलोन अम्पायर। इसी तरीके से यहाँ पर पर्शिया देख सकते हैं आप, मीडिया देख सकते हैं एंड ऑल दैट, ये बेसिकली साइरस का किंगडम है। इस साइरस ने क्या किया था, जो पर्शिया थी, इस पर्शिया के आसपास में जितनी भी टेरिटरीज हैं, कौन कौन सी टेरिटरीज हैं, एक तो टेरिटरी हो गई आपकी कौन सी, बेबीलोनिया की, तो बेबीलोनिया के साथ में अटैक किया और बेबीलोनिया को इसने जीत लिया, बेबीलोनिया को इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। सिमिलरली मीडिया के साथ में, मीडिया के साथ भी अटैक किया और मीडिया को भी अगेन जीत लिया, मीडिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। सिमिलरली यहां पर बैक्ट्रिया है, बैक्ट्रिया के साथ में भी इसने वॉर लड़ा और अल्टीमेटली बैक्ट्रिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरीके से अगर देखेंगे, अच्छा यहां पर एक और असीरिया भी है, असीरिया को भी इसने अटैक किया और अल्टीमेटली अपने टेरिटरी के अंदर ले लिया। क्या बचा फिर, बचा है एशिया माइनर, दिस इज द एशिया माइनर, यहां पर ये बचा हुआ है और ये पूरी की पूरी टेरिटरी इस साइरस ने जीत ली है। अब इसके बाद से क्या होगा, ये आसपास के एरिया को जीत लिया, नाउ इंडिया आ गया है। अब इंडिया आएगा तो इस दो रास्ते हैं इंडिया से, इंडिया को जाने के लिए, एक रास्ता है ऊपर
हिमालय होकर के, हिमालय है कि नहीं ऊपर, हिमालय होकर के जा सकता है। और दूसरा रास्ता हो सकता है कि ये जो पाकिस्तान वाला रास्ता है उधर से होकर के जाए। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि यहां पर छोटी छोटी ट्राइब्स रहा करते थे और उस ट्राइब के कारण से इसे रुकना पड़ता। तो इनफैक्ट ये रास्ता चुनता है यही वाला ट्राइब्स वाला, और जब ये आगे बढ़ता है तो इसको छोटे छोटे ट्राइब्स जो है, मतलब ये सोचता है कि हम इस पर्शिया से आगे जब बढ़ेंगे और तो गेड्रोशिया के थ्रू हम आगे जाकर के इंडिया में अटैक कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि यहाँ जो छोटी छोटी ट्राइब्स होती है, अभी हम लोग बात करेंगे, इस इलाके में मुल्तान आता है और ये जो मुल्तान की जो छोटी छोटी ट्राइब्स है इसने इसको प्रॉपर रिपल्जन दिया, मतलब अटैक जब किए तो इन्होंने रिपल्जन दिया। एंड हुआ क्या कि जो यहाँ पर साइरस है इसको भाई साहब भागना पड़ा, रिटर्न वापस आना पड़ा। ये सोचे थे कि इंडिया को हम कॉन्कर कर लेंगे, बट ये भागना पड़ा और केवल अपने सात साथियों के साथ पकड़े और सीधा दुम दबा करके उल्टा अपने पर्शिया में आकर के रुके। कहां पता चलता है? स्ट्रैबो का एक राइटिंग है, उसमें ये चीज पता चलता है। स्ट्रैबो ने बोला हुआ था कि साइरस इस अटैक का विचार छोड़ करके वो अपने सात लोगों के साथ में वापस भाग करके आ जाता है। समझ में आया क्या चीज है? अच्छा, इसके बाद से साइरस के बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है वो बनता है कैम्ब्रिसेज। हालांकि कैम्ब्रिसेज के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे को, लेकिन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक रूलर आता है उसका नाम रहता है डेरियस। एंड डेरियस, दिस इज डेरियस वन। इसके बाद जो होते हैं बहुत सारे और डेरियस आएंगे, डेरियस वन, डेरियस टू, डेरियस थ्री, कई सारे डेरियस आएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने यहीं पर इसको स्टॉप कर दिया है। तो डेरियस के बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या चीज होती है। बट डेरियस इज इंपॉर्टेंट हियर क्योंकि डेरियस ने जो अपने बाबा परदादा लोगों ने जो इन्होंने एम्पायर दिया था उसको, इसको इन्होंने एक्सपैंड करके इंडिया तक के, मतलब इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न मतलब पंजाब वाला जो पार्ट है, सियाल, एक्चुअली सियालकोट का जो इलाका है सियाल, उसको इसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इनफैक्ट यहां पर इसके कह लीजिए कि दो तीन जो है वो रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। तो बेसिकली तीन रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं और इन तीनों में ही बताया गया है कि इसने किस तरीके से इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल किया। एक का नाम है बेहिस्तून, बेहिस्तून एडिक्ट। इस बेहिस्तून एडिक्ट में यह पता चलता है कि इसने गांधार को अपने इलाके में, मतलब कि गांधार पे अपना कंट्रोल कर लिया था। इसके अलावा दो और रॉक एडिक्ट मिलते हैं। एक होता है जो पर्सिपोलिस का है, पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस का मतलब कुछ नहीं, पर्शिया ही है। तो पर्सिपोलिस एडिक्ट से और साथ ही साथ इसको नक्श ए रुस्तम, ये दोनों जो रॉक एडिक्ट्स हैं, इसने बताया था कि पंजाब को भी इसने कॉन्कर कर लिया था। तो पंजाब पर भी इसने कंट्रोल कर लिया था। इनफैक्ट यहां पर एक टेरिटरी थी सियाल, उस पर इसने कंट्रोल कर लिया था। किसने? डेरियस ने। क्लियर? इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो डेरियस था, डेरियस ने कंट्रोल करके 20th, जो भी इसकी 20th प्रोविंस थी, उसको कहा गया कि ये इंडियन प्रोविंस है, दिस इज द इंडियन प्रोविंस। और बाकी के जितने भी 19, इससे पहले के 19 जो भी हैं, वो आसपास के जो बैक्ट्रिया और ऑल दैट, जितने भी वेस्टर्न साइड में जितने भी टेरिटरीज थी, उसको इसने अपना अपना प्रोविंस बनाया हुआ था। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखिए, ये जो इसके अगर बाबा जो है इतने खतरनाक आदमी है साइरस की, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करेंगे, इन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर ली, लेकिन एक टेरिटरी को छोड़ दिया, दैट वॉज द मैसेडोनिया। इस मैसेडोनिया का मतलब है आज की डेट का ग्रीक। इसने कहा कि यार हमें ग्रीक पर भी अटैक करना है क्योंकि यहां पर भी अच्छा खासा एक फिलिप राजा राज करता है। तो इसने फिलिप पर, मतलब कि ग्रीक पर अटैक करने के लिए इंडिया की आर्मी की एक यूनिट बनाई, क्योंकि उनको दिख गया था कि आर्मी, मतलब कि इंडिया वाले सब काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा एक कह लीजिए कि जो होता है वो वॉर लड़ते हैं तो बड़ा बढ़िया से लड़ते हैं। तो इन्होंने एक यूनिट बना दी थी कि चलो अब ग्रीक पर कॉन्कर करेंगे, बट इनको सपना ही रह गया, ये कॉन्कर नहीं कर पाए थे, अटैक नहीं किए थे। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर में क्या चीज है। यहां पर देखिए, वन सेकेंड, ओके, सन ऑफ डेरियस, जेरस कुड नॉट मूव अहेड विद द फर्दर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द वॉर विद द ग्रीक्स। ही हैड एम्प्लॉयड इंडियन कैवलरी एंड इन्फेंट्री। तो इस तरीके से इंडिया के ही साथ में ये रह गए थे। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि इंडिया, वन सेकेंड, ये यहां पर गलत हेडिंग पड़ गई है। यहां पर है बेसिकली क्या, यहां पर है कि ईरान और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है। तो इंडिया और ईरान के बीच में अगर रिलेशन को देखेंगे तो देखिए, दिस इज द इम्पैक्टस टू द इंडियन ईरानियन ट्रेड। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर आपस में रिलेशन बना तो उसके बाद से ट्रेड स्टार्ट हो गया था। इनफैक्ट ट्रेड के लिए यहां पर कॉइन्स चलना शुरू हो गए थे और इस कॉइन में दो तरीके की कॉइन थी, एक थी जो गोल्ड कॉइन थी और दूसरी थी जो सिल्वर कॉइन थी।
जो गोल्ड क्वाइन थी उसका नाम था डेरिक, दिस इज डेरिक, डेरिक बोला जाता था जो गोल्ड क्वाइन है, और जो सिल्वर की क्वाइन थी उसका नाम था शेकेल्स, दिस इज शेकेल्स। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप इसराइल कभी जाने को मौका मिलेगा तो इसराइल की जो करेंसी है उसका नाम शेकल्स बोला जाता है, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में रुपया है सेम वैसे ही इसराइल की जो करेंसी है उसको शेकल्स बोला जाता है। दूसरी जो हुई, दिस हैज गिवन इम्पैक्टस टू अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, यहां से ये पता चल गया था कि भाई देखो ऐसा है सिकंदर चलो आगे बढ़ेंगे अटैक करेंगे इंडिया को अपने कंट्रोल में लेंगे। नेक्स्ट खरोस्टी स्क्रिप्ट की यहां पर जो होता है इंट्रोड्यूस की गई, व्हाट इज दिस खरोस्टी स्क्रिप्ट, खरोस्टी जो है बेसिकली क्या हुआ कि जिस तरीके से एक ऑब्वियसली जो ईरानियंस हैं या पर्शियंस हैं इनकी अपनी खुद की कोई एक स्क्रिप्ट रही होगी और इंडियंस की भी अपनी स्क्रिप्ट है ही, इंडियन की जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में आपको पता ही है कि दिस वाज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, और यहां पर जो इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी उसको बुलाता था एरामेइक स्क्रिप्ट, एरामेइक स्क्रिप्ट। अब ये दोनों बेसिकली मिलते हैं और एक मिक्स्ड स्क्रिप्ट निकलती है, जैसे आजकल चल रहा है ना हिंदी प्लस इंग्लिश, ये चल गया है हिंग्लिश, सेम वैसे ही यहां पर एक मिक्स्ड स्क्रिप्ट निकल के आती है जिसको बोला जाता है खरोस्टी स्क्रिप्ट, दिस इज द खरोस्टी स्क्रिप्ट, क्लियर। तो सम इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका वर रिटन इन द खरोस्टी स्क्रिप्ट इन दीज पार्ट, तो इस वजह से कुछ जो है खरोस्टी स्क्रिप्ट में ही लिखी गई है चीजें। खरोस्टी स्क्रिप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अरामेइक स्क्रिप्ट एंड इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में लिखा जाता था। मौर्यन स्क्रिप्चर वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्शियन स्टाइल स्पेशली बेल शेप्ड कैपिटल एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग बात करते हैं कि अशोक के टाइम पे कुछ इंस्क्रिप्शंस और कुछ कह लीजिए कि जो होता है रॉक पिलर्स बनाए गए थे और इस पिलर की जो है जो पर्शियन स्कल्पचर है उनके साथ में काफी स्टाइल की मैच मिल रही होती है। अगर इस मैच के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहां पर ये अशोक की पिलर है, अशोक की पिलर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पिलर पे ही जानवरों को मतलब शेर को इस तरीके से जो होता है वो बनाया गया था, सेम वैसे ही आप देख सकते हैं दिस इज द ईरानियन, ईरान में भी जो होता है इस तरीके से बुल को दिखाया गया, तो काइंड ऑफ आप देख सकते हैं कि दोनों की स्टाइल जो है वो सेम है और इसी स्टाइल की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक इम्पैक्ट जरूर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी इस स्कल्पचर पे या जो भी ये पिलर्स वगैरह बनाई गई थी उस पे एक लिखा गया था, जो लिखी जाती है जो राइटिंग्स होती है जिसको कार्विंग्स भी बोल सकते हैं, कार्विंग्स जो है इसकी जो फॉन्ट और जो इसकी स्टाइल है वो बेसिकली ईरानियन स्टाइल है, तो अगेन एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो फिलोसोफर्स हैं ईरानियन और इंडियन दोनों बड़े अच्छे रिलेशन मेंटेन हो गए थे, अगेन देखिए दोनों के बीच में डिबेट होगा और दोनों कहेंगे भाई तुम भी बढ़िया बता रहे हो हम भी बढ़िया बता रहे हैं चलो भाई मिलकर के आगे काम किया जाएगा, तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक रिलेशन मेंटेन हो गई थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, जब आगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो उसका राज्य होता था मतलब जहां पर उसकी कह लीजिए कि जो होता है पैलेस होती थी उसके बीच में एक फायर जल रही होती थी और उस फायर की बेसिकली जो फिलॉसफी है वो अगेन इस ईरानियन या पर्शियन किंगडम से ही आती है। सिमिलरली यहां पर और भी बहुत सारे छोटी छोटी चीजें देखने को मिलती है लाइक बर्थडे का सेलिब्रेशन हो गया इन सब चीजों के बारे में, तो अगेन ये पर्शियन से ही हमें देखने को मिलती है, क्लियर हो गया। अब अगला आता है हमारा नेक्स्ट, दिस इज द सिकंदर और ये आएगा सिकंदर का बेसिकली इन्वेजन, किस तरीके से सिकंदर का अटैक होता है। तो एक काम करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद से फिर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से सिकंदर का अटैक हुआ, भाई पैदा ही नहीं ना केवल अटैक करने के लिए हुआ है। अलेक्जेंडर के बारे में अगर बात किया जाए तो अलेक्जेंडर जो है 356 टू 323 बीसी में बेसिकली इसका एक साम्राज्य देखने को मिलता है, ये बेसिकली इस दौरान में क्योंकि बहुत जल्दी मतलब 32-33 ईयर में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ये फिलिप्स का मतलब फिलिप का जो होता है बेटा था और ये फिलिप जो होता है मैसेडोनिया का एम्परर था। He became king in 336 BC और उसके पीछे रीजन ये है फिलिप की जो होती है मृत्यु हो जाती है, फिलिप मर जाता है और अल्टीमेटली 20 ईयर की एज में केवल अलेक्जेंडर का कोरोनेशन हो जाता है, अलेक्जेंडर जो है वो राजा बन जाता है। इससे पहले अगर बात करा जाए अलेक्जेंडर की थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम पे तो अलेक्जेंडर वॉज द स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का ये शिष्य था, अरिस्टोटल का ये स्टूडेंट था, स्टूडेंट। अब यहां पर क्या है अरिस्टोटल एक फिलोसफर थे, ये अपनी फिलॉसफी इसको पढ़ाते थे लेकिन ये तो भाई साहब अलग ही दुनिया में खोया हुआ था, ये हरक्यूलिस की स्टोरीज पढ़ा करता था, ये साइरस की स्टोरीज पढ़ा करता था और उसके मन से ही एक दिली तमन्ना थी, जैसे आप लोगों के मन में दिली तमन्ना है कि हम आगे जाकर सिविल सर्वेंट बनेंगे, वैसे ही इसकी एक दिली तमन्ना थी कि हमें
पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड को कॉन्कर करना है. ऑल दो आगे जा करके जो अलेक्जेंडर है, सिकंदर है, वो फेल हो जाएगा, ये मर जाता है. मर जाने के बाद में जो उसके कमांडर होते हैं सब, सेलिकस, निकेटर, निर्याकस, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बात करेंगे. तो इसका जो कमांडर होते हैं, फिर वो इस जिम्मेदारी ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और इस तरीके से आगे फ्यूचर में भी इंडिया पर लगातार अटैक होते रहेगा, चाहे वो सेलिकस निकेटर हो, चाहे निर्याकस हो, या फिर अनाक्सिमेंडर हो. देखेंगे क्या कुछ यहां पर चीजें हैं. अब देखिए, तो एक आइडिया लग गया बेसिकली ये किस तरीके से क्या कर रहा है. अब इसके बाद से ये जो अलेक्जेंडर है वो बेसिकली राजा बन जाता है. राजा बनने के बाद फिर अगेन वही इसका जो सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए निकल देता है. अलेक्जेंडर कहता है चलो भाई कॉन्कर करते हैं इंडिया. कॉन्कर करने के लिए सबसे पहले चूंकि मैसेडोनिया में है, मैसेडोनिया से वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके वो फिर एशिया माइनर पे आता है, मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके. एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर बहुत ही बेहतरीन एक समझ लीजिए कि वॉर एक योद्धा काफी अच्छा था, काफी अच्छा जो है वो लड़ाई वड़ाई लड़ लेता था. इसने क्या किया था, इसने एक टैक्टिक्स अपनाई हुई थी, इसने अपनी आर्मी भी बनाई थी और इसने अपनी नेवी भी बनाई हुई थी, और इसने मल्टीपल यूनिट्स में इसको तोड़ के रखा हुआ था. हर एक यूनिट का एक कमांडर होता था और उस कमांडर में खुद भी रहता था वो, ही वॉज ऑल्सो अ कमांडर, एक तरीके से कमांड भी कर रहा होता था. जैसे आज की डेट में हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं हर एक यूनिट के लिए, वैसे ही यहां पर भी कमांडर हुआ करते थे. कुछ कमांडर के नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे एक है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर. ये जो सेल्यूकस निकेटर है, इसकी डॉटर जो रहती है, उसका शादी, उसकी जो मैरिज रहती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में की जाती है. हम लोग आगे मौर्यन डायनेस्टी में बात भी करेंगे. दूसरा जो इसका कमांडर रहता है, उसका नाम रहता है निर्याकस, निर्याकस. इसके अलावा एक तीसरा कमांडर रहता है जिसका नाम है अनाक्सिमेंडर. एक्चुअली इनका नाम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब ये सिकंदर, जब ये अलेक्जेंडर मर जाएगा, तो उसके बाद से ये लोग आपस में ही वॉर कर लेंगे, और वॉर करने के बाद अल्टीमेटली सेल्यूकस निकेटर बचता है और अनाक्सिमेंडर बचता है. फिर ये दोनों आपस में वॉर कर लेते हैं और अल्टीमेटली मतलब एट द एंड ऑफ ऑल द वॉर्स अनाक्सिमेंडर बच जाता है, और यही अल्टीमेटली फिर इंडिया को कॉन्कर करने के लिए आता है फिर से एक बार. चलिए खैर, ये आते हैं और इसकी डायनेस्टीज भी आगे आएंगी, बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम लोग बात करेंगे जब ये आगे डायनेस्टीज आती जाएंगी, गुप्त डायनेस्टी में आएगी तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है. चलिए खैर, तो एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली. हम लोग जरा पीछे आते हैं थोड़ा सा, और हम लोग आते हैं अपने वापस से कमांडर लोगों के पास में, सेल्यूकस निकेटर, निर्याकस एंड अनाक्सिमेंडर. He had annexed the whole Persia, Babylon by defeating Persian king Darius III in the Battle of Arbela. And Alexander was attracted to India's wealth. अब जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पूरे के पूरा इन्वेजन के बारे में बात करते हैं. तो अलेक्जेंडर का रूट है, देखिए यहां से ये है यहां पर अलेक्जेंडर, दिस इज अलेक्जेंडर, या सिकंदर बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा फील आ रहा है सिकंदर बोलने में. सिकंदर क्या करता है कि एक तो मेडिटेरेनियन सी है, सीधी सी बात है, अपना नेवी भी भेज देगा और साथ ही साथ में ये अपना आर्मी लेकर के आगे बढ़ेगा. आगे बढ़ता है एशिया माइनर, एशिया माइनर को पहले अपना कॉन्कर करता है, और इस एशिया माइनर क्योंकि ये अभी फ्री टेरिटरी है, फ्री क्यों, क्योंकि देखिए साइरस ने कब्जा तो केवल और केवल इतने ही एरिया तक कर पाया था, यही एरिया था जो साइरस ने कब्जा कर पाया था, और उसके बाद से डेरियस आया था, तो डेरियस ने भी इतने ही एरिया को कब्जा कर पाया था. तो अब जब आगे बढ़ेगा, इसके बाद आगे जब बढ़ेगा ये कौन बढ़ेगा, सिकंदर जब आगे बढ़ेगा तो पर्शिया का जो राजा रहेगा ऑब्वियसली उसके साथ में इसको वॉर करना पड़ेगा. उस समय पर्शिया का जो राजा रहता है वो साइरस, साइरस के बाद में कैम्प्रिसेज, फिर डेरियस वन, फिर यहां पर इस समय तक आ जाता है डेरियस थ्री, डेरियस थ्री आ जाता है. डेरियस थ्री के साथ में इसकी वॉर होती है और उस वॉर को बोला जाता है अरबेला वॉर, या याद करने के लिए आप बोल सकते हैं कि डेरियस था वो चिल टाइप रहता था एकदम, और अलबेला आदमी था, दिस इज अलबेला आदमी. तो यहां से आपको याद हो जाएगा दिस इज द अरबेला वॉर, वॉर का नाम है अरबेला वॉर. अरबेला वॉज द प्लेस वेयर दे फॉट, देखिए ये अरबेला है, यहीं पर बेसिकली दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी. तो इस तरीके से बेसिकली जब ये पर्शिया पे अटैक कर लेता है और पर्शिया को जीत लेता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया वो कॉन करके लेता है, चाहे वो पर्शिया हो, चाहे बेबीलोनिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे मेसोपोटामिया, मीडिया, कोई भी हो, बैक्ट्रिया हो, इन सब पे उसने बेसिकली अटैक कर लिया. तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता है, वन सेकेंड, ये पूरा का पूरा इलाका वो कॉन्कर करके आगे बढ़ता है, देख सकते हैं रेड कलर से बना हुआ है. तो इस तरीके से वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसके बाद से अब ये आने वाला है इंडिया में. इंडिया में जब ये आता है तो उससे पहले ये प्लानिंग करता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग इंडिया में आए थे वो
कह लीजिए कि जो होता है मर गए थे, खत्म हो गए थे। तो इस वजह से इंडिया में आने से पहले वो बड़ी प्रिपरेशंस के साथ आ रहा था। तो प्रिपरेशन के लिए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंडिया में जब आएगा। तो इंडिया में जब आता है ये, तो अभी फिलहाल ये रुका हुआ है बैक्ट्रिया में, बैक्ट्रिया एज अ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। यहां पर ये एक शहर बसाता है क्योंकि यहीं पर ये रेस्ट लेता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी बड़े काम के लिए जाना तो पहले आप रेस्ट कर लीजिए, देन स्टार्ट विद अ न्यू जील, एक नए जील के साथ में आप स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर वो रेस्ट करता है और रेस्ट करने के लिए वो एक नई सिटी यहां पर डेवलप कर देता है जिसका नाम रहता है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया ये सिटी बनाती है और ये सिटी बेसिकली आज के डेट में कांधार है। दिस इज कांधार जो कि अफगानिस्तान में है। तो इस तरीके से वो सिटी बसा देता है। सिटी बसाने के बाद अब जरा इंडिया में देखिए क्या क्या चीजें हैं। पहले यहाँ की ज्योग्राफी को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग आगे चीजों को समझेंगे ताकि एक आइडिया रहे। ज्योग्राफी में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि यहां पर हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं। दिस इज हिंदू कुश की पहाड़ियां और ये हिंदू कुश आगे वही पाकिस्तान में सुलेमान रेंज कहलाती हैं। फिर यहां पर जो होती है वो माउंटेन है, हिमालयाज हैं, आपको पता ही है कि दीज आर हिमालयाज। ठीक है, यहां पर इस हिंदू कुश को क्रॉस करने के लिए एक पास है। इस पास का नाम यहां पर एक कह सकते हैं कि दिस इज अ पास, यहां पर एक पास है। इस पास का नाम क्या है? इस पास का नाम है खैबर पास। दिस इज KHYBER खैबर पास, अफगानिस्तान में है। ठीक है, इस खैबर पास के बाद आगे जब बढ़ेगा तो हिंदू कुश को क्रॉस किया जाएगा। हिंदू कुश को क्रॉस करने के बाद फिर यहां पर रिवर्स आ जाती हैं। कौन कौन से रिवर्स हैं? सबसे पहले आपको मिल जाएगी इंडस रिवर। दिस इज इंडस रिवर। इस इंडस के बाद में सेकेंड रिवर आ जाती है जो कि बॉर्डर भी बना रही होती है इंडिया और पाकिस्तान का, दैट इज झेलम। और झेलम को उस समय किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता। वितस्ता। और इसके पास में ही जो इलाका था, जो आसपास मतलब कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम, इस एरिया का नाम क्या था वहां पर? अभी हम लोगों ने देखा था इसका नाम था हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज, ठीक है, हाइडेस्पीज इस इलाका था। झेलम को क्रॉस करने के बाद फिर अगला जो रिवर आने वाला है वो क्या है? चेनाब। इस चेनाब के पास हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ऑल्दो इंडिया इतने अंदर तक नहीं है। ठीक है, तो चेनाब, चेनाब के बाद जो नेक्स्ट रिवर आती है उसका नाम क्या है? रावी। रावी के बाद फिर आएगा कौन सी रिवर? ब्यास। ठीक है, तो ये आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा, एक्चुअली इंडिया यहां पर नहीं है, ब्यास, ये सब इसी दौरान में खत्म हो जाएंगे। दिस इज टू मैग्निफाई, मैंने इसीलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाएगी। और ब्यास के बाद फिर कौन सी रिवर आएगी? सतलज। सतलज और सतलज के बाद फिर कौन सी रिवर आएगी? सरस्वती। सरस्वती। क्लियर हो गया कौन कौन सी रिवर्स है? तो अब एक काम करते हैं, इसको जरा इरेज मैं कर देता हूं और एक साफ सफाई के साथ में देख लेते हैं। तो यहां पर बेसिकली जो सबसे पहले रिवर है, यहां पर एक पहली रिवर आ गई है इंडस, दिस इज इंडस। फिर उसके बाद से सेकेंड रिवर आई हुई है जो है बेसिकली झेलम। इस झेलम के बाद तीसरी रिवर आई हुई है जिसका नाम है चेनाब। इस चेनाब के बाद अगली रिवर आई हुई है जिसका नाम है ब्यास। इस ब्यास के बाद अगली रिवर आई हुई है सतलज। सतलज के बाद फिर अगली रिवर आई हुई है, क्या नाम है उसका? सरस्वती। सरस्वती हो गया सेवन रिवर्स, 1 2 3 4 5 6। एक छूट गई है रावी। रावी चेनाब और ब्यास के बीच में एक्चुअली एक रावी भी आएगी, दिस विल बी द रावी। और यहां पर रावी आ जाएगी, ठीक है, कंसिडर कर लीजिए आप लोग, यहां पर रावी है। ठीक है, ओके। झेलम का उस समय का नाम क्या था? वितस्ता। दिस इज वितस्ता। रावी का नाम पौरुषनी। पौरुषनी, ठीक है। फिर इसके आगे आपका बाकी अस्किनी हो जाएगी। दिस अस्किनी हो जाएगी चेनाब। देन आगे विपाशा हो जाएगी, सतुद्री हो जाएगी, सब पता ही आप लोगों को। चलिए अब देखिए अलेक्जेंडर भाई साहब को लेकर के आते हैं, एंड लेट अस टेक रेड पेन हियर। तो यहां पर बेसिकली बैक्ट्रिया के पास में उसने अलेक्जेंड्रिया बना करके रखा हुआ है। अलेक्जेंड्रिया बनाने के बाद अब ये क्या करता है? आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जैसे ही इसने खैबर पास को क्रॉस किया, वैसे यहां पर एक छोटी सी ट्राइब रहा करती थी जिसका नाम था हस्ती ट्राइब। हस्ती ट्राइब और इसके स्टेट का नाम था हस्ती स्टेट। ये लोग भी अगेन छोटे से टेरिटरी में अपना राज्य कर रहे होते थे और इस राज्य करने में जैसे ही आता अलेक्जेंडर, वैसे ही इन दोनों के बीच में वॉर हो जाती है। और ये जो वॉर होती है वो 30 डेज तक चलती है नियर अबाउट। तो 30 दिनों तक ये वॉर चलती है। ऑल्दो वॉर में अलेक्जेंडर जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद भी अलेक्जेंडर और इसके जो साथी रहते हैं वो थोड़े डर जरूर जाते हैं कि यार 30 दिनों तक इसने मुझे रोक दिया,
पर्शिया ने भी इतना दिन मुझे नहीं रोका था, मतलब यहां से लेकर के यहां तक आने में अगर इसको कुछ महीने लगे थे तो एक महीने इसको केवल और केवल खैबर पास को क्रॉस करने में ही लग गया, तो ये डर गए थे लोग। लेकिन खैर फिर भी उसको जीत गए। जीतने के बाद फिर अल्टीमेटली ये लोग आते हैं और हिंदू कुश को क्रॉस करते हैं। हिंदू कुश को जैसे ही क्रॉस करते हैं वैसे ही यहां पर एक नई टेरिटरी मिलती है जिसको बोला जाता है मसक्का, जो यहां का फोर्ट है। दिस इज द फोर्ट ऑफ मसक, दिस इज फोर्ट ऑफ मसक। यहां पर एक क्वीन रहती हैं और क्वीन का नाम रहता है, देखिए इंडियन क्वीन है, नाम बड़े थोड़ा सा अलग है लेकिन इंडियन क्वीन रहती है, नाम रहता है इनका क्लियोफिस, दिस इज क्लियोफिस। इनको कृपा भी बोला जाता था, रानी कृपा भी बोला जाता था, बट इनका एक्चुअल नेम था रानी क्लियोफिस, इंडियन थी। इनका फिर वॉर होता है अलेक्जेंडर के साथ में। रानी महिला जरूर रहती है लेकिन वॉर लड़ती है, और इनफैक्ट ये पहला इंडियन हिस्ट्री में ऐसी पहली वॉर है जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ है, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, और अल्टीमेटली अगेन देखिए हार जाती है क्योंकि सिकंदर भाई सीधी सी बात है इतनी बड़ी आर्मी और टैक्टिक्स और इसके पास प्रॉपर डेवलपमेंट मतलब डेवलप्ड आर्मी और एक ट्रेंड आर्मी थी जिसके कारण से ये लगातार जो है वो कॉन्कर करते आ रहा था। तो इसके बाद से हिंदू कुश के बाद अब ये फोर्ट ऑफ मसक पे भी जो होता है ये कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद फिर ये आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद अब इसको क्या मिलेगा, आगे बढ़ने के बाद अब इसको मिलती है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर पे ये क्या करता है, अपना एक ब्रिज बनाता है, ब्रिज बनाता है ताकि आसानी से सब लोग आ जाएं, और इस ब्रिज का नाम रहता है अहिंद, दिस इज अहिंद। हिंद अगेन सिंध का नाम, एस को ये लोग एच पढ़ते थे, है ना, एस को ये लोग एच पढ़ते थे, तो ये अ सिंध, सिंध नदी पे अगेन सिंधु बोला जाता था उस समय इंडस को, तो सिंधु को ये लोग इंड, और इस तरीके से ये अहिंद एक ब्रिज बना दिए थे। ब्रिज बनाने के बाद अल्टीमेटली यहां पर 30 डे का ये लोग ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस 30 डे के ब्रेक में बेसिकली सिकंदर आया क्यों था, क्योंकि यहां जो तक्षशिला का अगेन पुरानी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बताया कि तक्षशिला को जो राजा था उसका नाम था आम्भी, नाम याद रखिएगा AMBHI। ये तक्षशिला का जो राजा था आम्भी, इसने इनविटेशन दिया था सिकंदर को, अलेक्जेंडर को, कि आइए और हमारे यहां पर जो वेल्थ है और जो हमारे यहां की पावर है उसको एंजॉय करिए। आम्भी का पर्सनल राइवलरी मगध के साथ में था, इस वजह से उसने बुलाया हुआ था। तो इस तरीके से यहां पर जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं अहिंद में, तो यहां पर तक्षशिला का आम भी आ जाता है इनके साथ में, चलो भाई हम भी तुम्हारे साथ हो लिए हैं, चलो मिल करके हराएंगे आगे इंडिया को, मिल करके कॉन्कर करेंगे और हम पूरा का पूरा राज्य ले लेंगे और आप लोग देख लीजिएगा अपना। इसके बाद 30 डे के बाद में फिर ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर अब रिवर आ जाएगी झेलम। इस झेलम को क्रॉस करने के लिए जैसे ये झेलम पे क्रॉस करते हैं वैसे ही यहां जो इलाका है, नाम है उस इलाके का हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज पे जैसे ही आते हैं तो यहां का जो एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर देता हूं, ओके, यहां पर हाइडेस्पीज पे जैसे ही ये लोग आते हैं वैसे ही यहां का जो टेरिटरी रहता है वो रहता है पोरस के हाथ में। तो पोरस एक साइड में, अब देखिए यहां पर झेलम नदी है मतलब कि वितस्ता नदी है, और यहां पर एक साइड में अलेक्जेंडर खड़ा हुआ है, दिस इज अलेक्जेंडर, साथ में आम्भी भी खड़ा हो रखा है, और दूसरे साइड में पोरस खड़ा है अपनी सेना लेकर के, दोनों साइड से अपने अपनी सेना लेकर के खड़े हैं दोनों लोग, और वॉर होने की तैयारी हो रही है लेकिन वॉर हुआ नहीं है अभी। रात में क्या करता है जो अलेक्जेंडर रहता है, वो दूसरे साइड से आकर के पोरस को फिर बंदी बना लेता है, पोरस को फिर कह लीजिए कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद फिर अल्टीमेटली पोरस और सिकंदर, पोरस और अलेक्जेंडर में फिर वही डिस्कशंस होते हैं, और डिस्कशन होने के बाद अल्टीमेटली अलेक्जेंडर पूछता है कि पोरस से बताओ भाई तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए। तो पोरस ने वही बोला था कि एक योद्धा के साथ में एक बर्ताव रखता है, यानी कि जो भी आर्मी मैन है उनके साथ में एक आर्मी मैन के तरीके से ही आपको एक बिहेव करना है। इनफैक्ट आगे जा करके इनकी जो कह लीजिए जो डिस्कशंस है और जो बेसिकली द एटीट्यूड फॉर द आर्मी एंड द रिस्पेक्ट फॉर द आर्मी, इसके लिए ही आगे जा करके एक कन्वेंशन भी साइन हुआ जिसका नाम है जिनेवा कन्वेंशन। इस जिनेवा कन्वेंशन में यही है कि वॉर के दौरान में अगर कोई भी आर्मी या किसी भी कंट्री के आर्मी अगर दूसरे कंट्री के द्वारा पकड़ के ले जाते हैं तो उनके साथ में वो एक रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं कि उनके साथ में एक गलत बर्ताव करेंगे। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से इनको बिहेव अच्छे से करना पड़ेगा, तो इस तरीके से जिनेवा कन्वेंशन की यहां पर नींव पड़ती है। खैर अल्टीमेटली जो होता है पोरस हार जाता है, हारना क्या मतलब गलत तरीके से इनको हराया गया रहता है, लेकिन लेकिन लेकिन
ये जो पोरस ने यहां पर एकदम हीरो टाइप का डायलॉग मार दिया है, इस डायलॉग के कारण से अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, और इन्फ्लुएंस होने के कारण में कहता है कि बाद में इसको थोड़ा सा वही लगता है बुरा कि यार मैंने गलत तरीके से मार दिया, बढ़िया से वॉर किए रहते तो अभी पोरस को जो है घुटने पे टिकाए रहते। लेकिन यहां पर अल्टीमेटली अलेक्जेंडर ये इसको कहता है कि यू आर नॉट फ्री बिकॉज यू हैव मतलब मैंने गलत तरीके से आपको बंदी बना लिया है, तो इसमें से यू आर फ्री। इनफैक्ट इसने दो सिटीज भी दिए, किसको, पोरस को, दो सिटीज दिए। एक सिटी का नाम है जहां पर उसका घोड़ा फेल हो गया था, तो घोड़ा फेल हो गया और घोड़ा फेल होने के कारण से उसका जो नाम रखा गया था बुका फेल, दिस इज बुका, उसका घोड़ा था और फेल हो गया था, तो बुका फेल एक सिटी का नाम बनाया हुआ था और उसने सिटी दे दिया। और साथ ही साथ में एक और है, जब निकल रहा था तो निकेल, एक जो है निकाया, निकाया ये एक सिटी बनाया था, और ये दोनों सिटी अल्टीमेटली दे देता है पोरस को और कहता है कि जाओ भाई तुम फ्री हो, तुम अपना जो होता है जी लो अपनी जिंदगी। तो इस तरीके से जो होता है पोरस के साथ, फिर ये आगे झेलम को क्रॉस करने के बाद फिर अल्टीमेटली किसके पास आया, चेनाब रिवर के पास में आया। तो जब ये चेनाब रिवर को क्रॉस करता है, फिर एक नई टेरिटरी, फिर एक नया ट्राइब और फिर एक नया वॉर। तो फिर यहां पर जो होता है इनको कुछ और नए लोग मिलते हैं और अल्टीमेटली फिर एक ट्राइब के साथ में इनका वॉर होता है। ऑल द वॉर के बाद फिर जीत तो जाता है अलेक्जेंडर, लेकिन अगेन वही आर्मी लगातार हर समय इनको एक छोटा सा इलाका आगे बढ़ रहा है, तुरंत एक वॉर हो जा रही है, तो आर्मी भी जो है थक जा रही थी, कितना वॉर करेंगे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने के बाद फिर आती है रावी रिवर, रावी रिवर के पास में फिर एक नए लोग मिल जाते हैं। तो रावी रिवर को जैसे ही क्रॉस करता है, वैसे ही यहां पर पंजाब का इलाका होता है, पंजाब में इनफैक्ट एक ट्राइब रहती है, इनफैक्ट आज उस जगह पर उसी ट्राइब के नाम पर नाम पड़ गया है, कैथल, कैथल नाम पड़ गया है, और यहां पर जो ट्राइब रहती थी उसका नाम था कैथेयोई, दिस इज कैथेयोई, कैथेयोई, और इसी के नाम पे आज की डेट में यहां पर कैथल नाम पड़ा हुआ है। पंजाब का एक छोटा सा इलाका है, इनफैक्ट पंजाब और हरियाणा के बीच में पड़ता है कैथल, तो कैथेयोई यहां पर ये ट्राइब आती है, और अल्टीमेटली फिर वॉर होती है। वॉर के बाद ऑल्दो फिर से अलेक्जेंडर जीत तो जाता है, लेकिन अगेन जो होती है यहां पर लोग थक जाते हैं, थकने के बाद फिर अल्टीमेटली व्यास रिवर पे जैसे ही आता है आगे, अलेक्जेंडर आता है व्यास रिवर के पास में, और व्यास के पास यानी बिपाशा के पास जैसे ही आता है, इसके आर्मी वाले कर देते हैं गिव अप, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे ही यहां पर आता है, यहां पर आर्मी ने गिव अप कर दिया है। ऑल दो इसका जो कमांडर रहता है, कमांडर कह लीजिए कि जो सिलिकस निकेटर है, वो इनको फिर से मोटिवेट कर रहा होता है, सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन आर्मी कह देती है अब हम आगे नहीं जा पाएंगे, कुछ भी करिए हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली यहां पर फिर अल्टीमेटली दोनों एम करते हैं, मतलब ये सिलिकस जो है वो सिकंदर से जाकर मिलता है और कहता है इसी कंडीशन है, तो अलेक्जेंडर फिर वहां यहां से फिर वापस जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है कि चलो ठीक है, लेट अस गो बैक टू आवर प्लेस, आवर होम टाउन, और चलते हैं वापस से पर्शिया या फिर मैसेडोनिया। तो इस तरीके से लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जैसे ही कोई भी इस तरीके से कोई नहीं चला जाता है, यहां पर जो होता है थोड़े से रॉक पिलर्स बनवाएंगे, भाई अपना थोड़ा सा दिखाएंगे ना फेम कि हाँ हम आए थे यहां पर, हम अपना झंडा यहां पे गाड़े थे, जिस तरीके से एवरेस्ट पे जा करके झंडा गाड़ा जाता है, वैसे यहां पर ये लोग रॉक पिलर्स बनवाए, इसके अलावा यज्ञ की वेदिका बनवाए, इसके अलावा यहां पर और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल दैट चीजें बनवाए, और अल्टीमेटली तैयारी करना शुरू कर दिया कि चलो भाई घर चलते हैं अपने। तो यहां पर आर्मी वालों ने बोला कि भाई ऐसा है, हम अब चलने की हालत में भी नहीं है, ये जो आपने नए नए सिटी बनवाए हुई है, अलेक्जेंडरिया आपने बनवाया हुआ है, चाहे आपने बुकाफेल बनवाया हुआ है, चाहे आपने निकैया बनवाया है, हम यहीं जा करके रहेंगे, अब हमको कहीं और नहीं जाना है। ऑल दो कुछ आर्मी वाले कहे चलो भाई हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुमको वहीं तक छोड़ करके आएंगे, तो ये लोग कहे कि हम रिटर्न उस रास्ते नहीं जाएंगे जब नीचे तक आ ही गए, तो चलो भाई इधर से चलेंगे, बिकॉज अगेन वी हैव टू क्रॉस द हिंदुकुश, हिंदुकुश पहाड़ को क्रॉस करेंगे तो फिर अगेन वही स्टीप चढ़ाई होती है, मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इन्होंने डाउन साइड का इलाका मतलब कि प्लेन इलाका इन्होंने चुना, और ये लोग मुल्तान के रास्ते जाने की सोचे। मुल्तान के रास्ते जब इन्होंने आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद यहां पर एक नया ट्राइब आ गया, एक नया इलाका आ गया, तो मुल्तान और यहीं पर एक छोटा सा इलाका है मिंटू गुमरी, तो मिंटू गुमरी और मुल्तान के पास में जो ट्राइब रहती थी उस ट्राइब का नाम था मल्लोई ट्राइब, दिस इज मल्लोई ट्राइब। देखिए नाम याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्ट रहेगा, दैट इज वाई मैं नाम बता रहा हूं आप लोगों को, मल्लोई ट्राइब। और साथ ही साथ में ऑक्सीजन छीन लेते थे, मतलब कि ऑक्सी ड्रेकोई एंड मल्लोई, यहां पर लिख देता हूं, दिस इज मल्लोई प्लस ऑक्सी ड्रेकोई,
तो मल्लोई और ऑक्सीड्रो को ही यहां पर ट्राइब्स रहा करती थी और अल्टीमेटली फिर इन लोगों के बीच में वॉर होता है। अब वॉर इसीलिए होता है क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि ये लोग हमें कॉन्कर कर लेंगे, हमारे साथ में हमें जीत लेंगे। तो इस वजह से अगेन इनको एक डर बना रहता है क्योंकि ऑलरेडी ये कई सारे अलेक्जेंडर के जो भी ये जीता हुआ है उससे ये लोग डर जाते हैं और अल्टीमेटली वॉर लड़ते हैं। वॉर के बाद फिर हालांकि अलेक्जेंडर जीत जरूर जाता है यहां पर, लेकिन अलेक्जेंडर बहुत बुरी तरीके से यहां पर इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड होने के बाद अल्टीमेटली जब ये आगे बढ़ता है तो यहां पर पड़ता है बगदाद, एंड बगदाद वॉज अंडर द टेरिटरी ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन के पास में पहुंचता है और बेबीलोन के पास में इसकी डेथ हो जाती है और डेथ अपने 32 साल की उम्र में ही केवल इसकी हो जाती है। तो एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली आपने आपको कि किस तरीके से ये सिकंदर आगे बढ़ा, सिकंदर क्या हुआ, एंड सिकंदर वाज आल्सो ग्रेट। क्यों ग्रेट? क्योंकि पोरस के साथ में उसने जो छलावा किया था उसका उसको रिग्रेट जरूर था, तो इस वजह से उसने हालांकि उसको सेट फ्री भी कर दिया था बाद में, इस तरीके से चीजें कर ली थी। आइडिया लगा क्या चीज है? ओके, तो इस तरीके से इंडिया के बारे में भी हम लोगों ने सारी चीजों के बारे में बात कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं मैसेडोनिया के बारे में। आफ्टर हिज डेथ, हिज डेथ मतलब जो सिकंदर है, जो अलेक्जेंडर है, उसकी डेथ हो गई है, तो अब क्या हुआ है? अब अगेन थ्रोन के लिए वॉर तो होगी ही, अगेन गेम ऑफ थ्रोन तो बनेगा ही बनेगा। तो यहां पर थ्रोन के लिए जितने भी इसके कमांडर्स हैं, क्योंकि शादीवादी तो हुई नहीं अलेक्जेंडर की, तो कमांडर्स जितने भी हैं, चाहे वो सेल्यूकस निकेटर हो, चाहे वो निरियाकस हो, चाहे वो अनाक्सिमेंडर हो, चाहे बाकी और भी बहुत सारे जो कमांडर्स थे, उनके बीच में आपस में वॉर हो जाती है। तो यहां से ग्रीक जो है बेसिकली वो स्प्लिट हो जाता है 321 बीसी में और आपस में ये लोग अपनी टेरिटरी को डिवाइड कर लेते हैं। तो इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया अलेक्जेंडर लेफ्ट फोर ऑफ हिज जनरल इन चार्ज ऑफ फोर रीजन। एक था सेल्यूकस निकेटर, ही वुड लेटर ट्रेड हिज टेरिटरी टू द इंडस वैली टू द चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरीके से ये आपस में जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में शादी हो जाती है और आगे देखेंगे क्या कुछ होता है। इसके अलावा यूडामस वॉज ऑल्सो द लास्ट जनरल ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडिया और बाकी जो है और भी अनाक्सिमेंडर और निर्याकस हुआ करते थे। तो ये थी बेसिकली पूरी कहानी अलेक्जेंडर की। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि अलेक्जेंडर की इंडिया आने के कारण से क्या क्या इफेक्ट्स हुए। अच्छा, मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलेक्जेंडर वापस क्यों गया, तो कई सारे रीजंस आप बता सकते हैं। पहला, आर्मी थक गई थी। दूसरा, लगातार 4-5 साल से लोग लड़ाई ही कर रहे थे, जिसके कारण से अगेन ये लोग पूरी तरीके से मेंटली जो है साइकोलॉजिकली वो डीमोटिवेट हो चुके थे, अब वो वॉर नहीं लड़ना चाहते थे। तीसरा, अपने होम टाउन जाना चाहते थे। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि ऑलरेडी वो हर एक छोटे छोटे इलाके पे जाकर के इतने वॉर लड़ लिए थे, जिसके कारण से वो आगे जो कॉन्कर करना है वो मान लिए थे कि काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि मगध हर्यक डायनेस्टी और आगे जितनी भी डायनेस्टीज हैं उसके बारे में लोगों को पता चल गया था कि एक्चुअली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अभी ये लोग ट्राइबल वाले, कबीले वाले लोग इतना ज्यादा हमें परेशान कर दिए, आगे जाकर के तो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरीके से इनको एक आइडिया लग गया कि देखो, इंडिया में सच में काफी वीर लोग रहते हैं, इस वजह से हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए, हमें जिंदगी प्यारी है, वापस हो लेना चाहिए। तो इस तरीके से बेसिकली पूरा का पूरा सीन हुआ था, जिसके कारण से अलेक्जेंडर वापस जाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। बिकॉज अगेन अकेले क्या क्या कर पाएगा, तो अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए अल्टीमेटली बेचारा सिलेक्शन हो गया उसका। चले खैर, तो ये हुआ हमारा अलेक्जेंडर की कहानी। अब जरा देख लेते हैं अलेक्जेंडर के इंडिया आने की वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे इंडियन साइड में। तो अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑगमेंटेड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन द नॉर्दर्न इंडिया। एक्चुअली है क्या यहाँ पर, जो मैसेडोनिया या फिर बाकी के जो वेस्टर्न इलाके हैं, उस वेस्टर्न इलाके में बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जबकि इंडिया में अभी यूनिफिकेशन प्रोसेस ही चल रही थी। मतलब कि आसपास के लोग आपस में अलायंस टेरिटरी बना रहे थे और एक तरीके से यूनिफिकेशन कर रहे थे, बट एक कदम आगे ग्रीस वाले लोग चल रहे थे। तो ये यहां पर ये सामने निकल के आया कि हमें बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस से भी हमें सेफ रहने की जरूरत है, और इसी कारण से आगे जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन लेता है कि अगर एक्सटर्नल अटैक होता भी है तो हमें किस तरीके से उसे रोकना होगा। आफ्टर द इन्वेजन देयर वॉज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। इस तरीके से न्यू ट्रेड रूट खुल गए और इंडिया और ग्रीस के बीच में आपस में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, क्योंकि बाद में सेल्यूकस निकेटर के साथ में इसकी डॉटर की शादी ही हो जाती है। तो शादी हो जाएगी तो मैरिटल रिलेशन अगेन एक कह लीजिए कि जो होता है वो कोऑपरेशन सामने देखने को मिल जाएगा। पोस्ट द इन्वेजन देयर वर इंडो ग्रीक रूलर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन एक थ्रेट भी है, लगातार ग्रीक्स का इन्वेजन होते रहेगा इंडिया में, हम क्योंकि एक तो
पावर भी एनालाइज कर लिए हैं कि भाई कितना कितना वजन है इनके पावर में और कितना वजन है इनके गोल्ड में भी। तो इस तरीके से दोनों वजन देख लिए और अगेन लालच बहुत बुरी बला है, लगातार अटैक होते रहेगा। तो ग्रीशियन इंपैक्ट ऑन द इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी देखने को मिलता है। और यहां पर जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट थी, हम लोग बात करेंगे आगे, एक थी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, उस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में एक नया ग्रीक एक मतलब ग्रीको कल्चर देखने को मिलता है। एंड वो अगेन जैसे खरोस्टी स्क्रिप्ट हुई थी वैसे यहां पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप हो जाती है। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन, काफी डिटेल में हम लोगों ने देखा अलेक्जेंडर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्यन डायनेस्टी और देखेंगे मौर्य डायनेस्टी में क्या कुछ होता है, कैसे डेवलपमेंट होती है और चाणक्य क्या है एंड व्हाई टू बी अ चाणक्य। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।